लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताया था, है ना। फंक्शन के केस में अगर अपन बात करें तो एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ मैं आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि फंक्शन मतलब होता है सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, है ना। सेल्फ कंटेन्ड मतलब खुद में ही कंटेन्ड एक ब्लॉक होता है जिसका आपके स्टेटमेंट्स का, जो कि क्या करता है, परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है ना। जस्ट लाइक आपने जैसा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा, वहां पे जैसा फंक्शन होता है सेम टू सेम फंक्शनलिटी, है ना। बेसिक कंसेप्ट तो पूरा फंक्शन का यहाँ पर भी वैसा ही होता है, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लो सब में वही होता है। बस डिफरेंस कहाँ आ जाता है, थोड़ा सा सिंटेक्टिकली डिफरेंस आ जाता है, सिंटेक्स में डिफरेंस आ जाता है कि लिखना कहाँ क्या कैसे है, उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, राइट। तो अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ एक एग्जांपल बताया था कि कैसे हम यहाँ पे क्लास को क्रिएट कर ही रहे थे, है ना। फिर अगर आपने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, बोले तो मेंबर फंक्शन बनाया है, तो उसको एक्सेस अगर आपको करना है तो कैसे एक्सेस करोगे, तो अब जो आप फंक्शन बनाओगे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। अब आपका इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर यूजर डिफाइंड क्यों होगा, प्री डिफाइंड भी तो हो सकता है। तो प्री डिफाइंड मतलब होता क्या है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जिसका डेफिनेशन पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जिसका डेफिनेशन पार्ट ऑलरेडी अगर अवेलेबल है तो फिर वो आप थोड़ी डिजाइन करेंगे, आप थोड़ी डिफाइन करेंगे, आप तो यूजर डिफाइन करेंगे। अब अगर आपने यूजर डिफाइंड करा है तो अब आप वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहाँ क्रिएट कर रहे हो, तो वो यूजर डिफाइंड आप यूजर डिफाइंड क्लास में क्रिएट कर रहे हो। मतलब आपने ही क्लास बनाई, मतलब यूजर डिफाइंड क्लास, आपने ही फंक्शन बनाया, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अब अगर आपको ही उसको कॉल करना है तो आपको उस स्पेसिफिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, क्या कि अगर अपन बात करें कि सी एग्जांपल कंसीडर करें, है ना, कि आप यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत तेज बारिश आ रही है, राइट। तो ऐसा हो सकता है क्या कि तुम रेंडमली नीचे से ऊपर आ गए और यहाँ पर क्लास में बैठ गए, और जब पानी रुका तो यहाँ से चले गए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो अननोन है ना, ऐसा चलते फिरते कोई भी थोड़ी यहाँ पर क्लास को एक्सेस कर सकता है। तो फिर उस केस में अब इसको थोड़ा सा अनदर वे से देखो कि आप यहाँ के स्टूडेंट हो, है ना। अब यहाँ के आप स्टूडेंट हो, आपने 4 to 5 की बैच अटेंड करी है, उसके बाद में जब आप यहाँ से जाने लगे तो पानी बहुत तेज आ गया, तो फिर उस केस में आप यहाँ पर आकर वेट करने लगे, तो आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप यहाँ पर वेट कर रहे हो, तो उस केस में आप यहाँ पर वेट कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हो, क्योंकि आप तो यहाँ के स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ की चीजों को एक्सेस कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि जैसे क्लास हुई और आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट हुए, तो आप क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस कर सकते हो, क्लासरूम को एक्सेस कर सकते हो, हॉल को एक्सेस कर सकते हो, सोफा सेट को एक्सेस कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर अपन बात करें कि अगर आपके पास में किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन है और अगर आपको उसको एक्सेस करना है, तो आपको क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को एक्सेस कर लेगा। तो इतना हमने लास्ट क्लास में, लास्ट सिनेरियो में हमने देखा था। आज के सेशन में अपन यहीं पर इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फंक्शन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। पहले मैं बेसिक आपको जो आपने याद हो तो कैटेगरीज देखी होगी। कैटेगरीज कौन सी? तो कैटेगरीज की अगर अपन बात करें तो आपने देखा होगा नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप, विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न टाइप। तो पहले मैं बेसिक एग्जाम्पल से ये 4 कैटेगरी के 4 एग्जाम्पल आपको बनाकर बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद में अपन थोड़ा सा मोल्ड करेंगे अपने इसी कंसेप्ट को और फिर अपन थोड़ा सा आगे के कंसेप्ट्स देखेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम fun4.java नाम से। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, राइट। और अभी अपन जो एग्जाम्पल देखने वाले है वो है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, है ना, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने लिखा है क्लास, क्लास में मैं क्लास का नाम क्या लिखूंगा, फन फोर, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ का मैंने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने लिखा है स्ट्रिंग args, इसमें किसी को कोई डाउट? अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, है ना। तो अब फंक्शन अगर मुझे बनाना है तो अपन फंक्शन कैसे क्या बनाएंगे, तो अपन अब एक काम करते हैं, अपन 3 नंबर के एवरेज को फाइंड आउट करने वाला एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है फंक्शन टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर 3 नंबर का एवरेज निकालना है तो मुझे 3 नंबर की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब वो नंबर या तो आप फिक्स कर दो या फिर आप यूजर से गेट कर लो। अब यूजर से वैल्यू गेट करना तो आपको आती है, तब कैसे गेट करोगे, तो उसके लिए आपको एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे इंपोर्ट java.util.scanner,
अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है? जैसे आप सी में हैश इंक्लूड लिखते हो ना, वैसे यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। वहां पर आप stdio.h लिखते हो, conio.h लिखते हो, string.h लिखते हो, वैसे यहाँ पर आपको जावा क्या होता है, पैकेज होता है, फोल्डर, उसके अंदर एक यूटिल नाम का सब फोल्डर होता है और उसके अंदर स्कैनर नाम की एक क्लास होती है ना। तो आपको उस क्लास को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास प्रीडिफाइंड क्लास है, आपने नहीं बनाई है, आप नहीं बना रहे हो, ये प्रीडिफाइंड क्लास है। तो जहाँ पे बनी बनाई है वहां से आपको इसको लेकर आना पड़ेगा, आपके प्रोग्राम में उसको ऐड करना पड़ेगा। अब उसके बाद में अगर अपन बात करें तो आप क्या, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ void, और void में मैंने क्या लिख लिया, average। अब बात आती है कि ये मैंने यहाँ पर void क्यों लिखा, void मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरा ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर नहीं देगा। ये आपने बोला ही क्या है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, ना ही आप उसको कॉल करते टाइम कुछ पास करोगे और ना ही वो फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने void average लिखा। अब average के अंदर आपने वो करना क्या है, तो मुझे तो यूजर से वैल्यू एड करना है। अब वैल्यू गेट करना है मुझे, यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट एन। यहाँ पर आकर अपन यूजर को क्या बोलेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, एंटर थ्री नंबर्स। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू, अपन क्या लिख लेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, मैंने ऐसा कुछ लिखा। यहाँ पर आकर मैंने ऐसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी मैंने यहाँ पे कितना लिख लिया है, सी, मतलब यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर हमने यूजर से तीन वैल्यू को क्या कर लिया है, गेट कर लिया है। अब तीन वैल्यू को गेट करने के बारे में आपको क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। तो अब सिंपल सी बात है, एवरेज मतलब क्या, दस करके डिवाइड करोगे, अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके आंसर, आपका आंसर पॉइंट में आने के चांसेस पूरी पूरी रखता है। तो फिर उस केस में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं डबल, डबल में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर एवरेज, और एवरेज में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और फाइनली अब आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में अपन क्या कर देंगे, मैंने लिख दिया है यहाँ पर एवरेज, और एवरेज के केस में अपन क्या कर देंगे प्लस, और मैंने लिख दिया यहाँ पर एवरेज, क्लियर है। अब मुझे करना क्या है, तो अभी मैंने फंक्शन तो बना लिया, मुझे इसको एक्सेस करना है। अब एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है उसको अगर एक्सेस करना है तो आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फिर आपको पता है यहाँ पे कि आप लिखते हो न्यू, न्यू क्या करेगा, न्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन किसका, तो आप जिस क्लास का नाम लिखोगे उसका। तो यहाँ पर आपने फन फोर लिख दिया, तो ये फन फोर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपको उसको इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नर्सरी में स्कूल जाते हो तो स्कूल वाले आपको बुक्स देते हैं ना, बैग देते हैं, ड्रेस देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ये चीजों को इनिशियलाइज कर रहे ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लगा दोगे पैरेंथेसिस। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आप ऐसा लिखते हो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कि क्या करता है, आपके डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का काम करता है। सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बस इतना मानो कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी आने वाले सेशंस में अपन जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो अपन करेंगे। यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा आपका एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, तो एक ओबीजे वेरिएबल, उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, ओबीजे वेरिएबल। इस ओबीजे वेरिएबल को अपन बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, बट बोलचाल में बोल देते हैं अपन की ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट। अब ये किस टाइप का है ये भी तो बताना पड़ेगा, तो ये आपका फन फोर टाइप का होगा। और अब उसके बाद में अगर मैं बात करें अब क्या, तो अब इस ओबीजे से मैं इसको कॉल कर लूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एवरेज को कॉल कर लूंगा। तो यह हुआ क्या, यहाँ पर आपने लिखा है नो आर्ग्यूमेंट, आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है ना। यहाँ पर देखो आपने कुछ लिखा है क्या, यहाँ कुछ पास किया है क्या, नहीं। तो ये क्या है, नो आर्ग्यूमेंट। और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन के केस में आप क्या बोलेंगे, आपने क्या लिख के रखा है, void, void मतलब which does not return any value, इसका मतलब क्या है, no return type, ये अंदर return statement भी नहीं लिखा है ना, तो ये कोई भी value return कर कर आपको नहीं देगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, नहीं। देखो अब अगर अपन बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये तो आपने लिखा, इससे ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा ओबीजे।
अब अगर अपन बात करें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिंपली अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। स्ट्रिक्टली टाइप्ड मतलब क्या होता है कि जहां पर अगर आप कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हो और उस वेरिएबल के अंदर कुछ अगर डेटा आप रखते हो, तो वो जिस टाइप का डेटा आप रख रहे हो उस टाइप को आपको यहाँ पर डिफाइन करना ही पड़ता है, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर। मतलब कि जो वेरिएबल है जिस भी टाइप का डेटा होल्ड करके रखेगा, तो आपको उस वेरिएबल के आगे उसका टाइप बताना पड़ेगा, और अगर आप नहीं बताओगे तो ये एरर देगा। तो ये ओबीजे आपका रेफरेंस वेरिएबल है, और रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है, फन फोर टाइप का, इसलिए फन फोर लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू अगर 100 लिखता, जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर ये ए लिखा, अब इसके अंदर मैं 100 200 300 लिखूंगा, तो वो किस टाइप का डेटा होगा, इंटीजर टाइप का डेटा होगा, इसलिए मैंने फिर इसके आगे क्या लिखा है यहाँ पर, इंटीजर। यहाँ पर मेरे को जो स्टोर करवाना है तो वो मेरे को पॉइंट में वैल्यू स्टोर करवाना है, तो इसलिए मैंने इसका टाइप क्या लिखा है यहाँ पर, डबल। वेरिएबल में जिस भी टाइप का डेटा आएगा वो टाइप आप वहां पर डिफाइन करो। लेने यहां तक ये तो मैंने इसे सेव किया, सेव करके इसे चलाना है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ, है ना। कंट्रोल शिफ्ट और सी को मैंने प्रेस किया, एक कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, जावा सी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फन फोर डॉट जावा। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे जावा फन फोर। अब देखेंगे एंटर थ्री नंबर्स, मैंने लिखा वन, मैंने लिखा थ्री, मैंने कितना लिखा है यहाँ पर, सेवन, मुझे कितना मिला है, थ्री। सही है क्या, कहाँ से सही है, गलत है ना, 3.3 या 3.67 ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। तो फिर अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि याद हो तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, है ना, जब अपन ने ऑपरेटर्स पढ़े थे जावा में, तो मैंने आपको बताया था इंटीजर, इंटीजर गिव्स यू इंटीजर। अब यहाँ पर ए क्या है, इंटीजर, बी इंटीजर, सी इंटीजर, तो तीनों का सम करके क्या आया, इंटीजर, बोले तो 11 डिवाइडेड बाई 3, 3 इज ऑल्सो इंटीजर, तो इंटीजर इंटीजर गिव्स यू इंटीजर, लेकिन आपने उसको स्टोर डबल में करवाया है, जिसकी वजह से उसने वहां पर आपको पॉइंट दे दिया। तो फिर आपको क्या करना है, आपको तो पॉइंट में आंसर चाहिए, तो आपको किसी ना किसी एक चीज को तो पॉइंट में लिखना ही पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, 3.0 लिख दोगे। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने इसे क्लियर किया, आप यहाँ पर आए, सॉरी आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने क्या किया है, आपने इसको रन किया, आपने लिखा वन, आपने लिखा थ्री, आपने लिखा सेवन, 3.36666 ले रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तक सभी को समझ में आया। तब ये तो किसका कंसेप्ट था आपका, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, कि ना ही आप कुछ पास कर रहे हैं और ना ही ऊपर से कोई वैल्यू आपको रिटर्न होकर मिल रही है। ये अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम और करते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ, अब इसी एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ आपको किससे, नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप से। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये नो आर्गुमेंट मैंने लिख दिया, है ना, कोई भी आर्गुमेंट अपन पास नहीं करेंगे। अब अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद अपन क्या हेडिंग चेंज कर लेते हैं, नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। तो अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, फंक्शन टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, अपन यहाँ पर लिखेंगे विथ रिटर्न टाइप, ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब आपने देखा अभी कि जो आपको आउटपुट मिला वो पॉइंट में मिला है, तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करना है वो पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न करना है, और पॉइंट में अगर रिटर्न करना है तो आप या तो फ्लोट लिख सकते हो या डबल लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा, मैंने बोला एक काम करते हैं यहाँ पर अपन डबल ही लिख लेते हैं, ये तो रिटर्न टाइप होता है ना कि किस टाइप का डेटा यहाँ से ये फंक्शन रिटर्न करेगा, तो मैंने बोला पॉइंट वाला डेटा ये रिटर्न करेगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख दिया है, डबल। अभी मैंने डबल लिख दिया, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद मैंने यूजर से वैल्यू गेट करी, मैंने यहाँ से एवरेज निकाला, और एवरेज निकालने के बाद में अब अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर अब कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न में मैंने लिख दिया एवीजी एवरेज। अब रिटर्न में मैंने एवरेज करा, तो सिंपल सी बात है, कंट्रोल नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये फंक्शन कोई वैल्यू लेकर आएगा, अभी कोई वैल्यू लेकर आएगा तो उसको कहीं ना कहीं होल्ड करवाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डबल, मैंने लिख दिया यहाँ पर res, और अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पे लिख देंगे सिंपली क्या, रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, मैंने कर दिया प्लस। क्लियर है क्या, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन इसको यहाँ पर एक बार चलाकर देख लेते हैं, जैसा कि आपकी क्या, हाँ ये यहाँ पर ठीक है।
बनाते हैं यहाँ पर, मैंने पे 5 लिखा, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन किया, एंटर 3 नंबर्स, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अपने ऐसा करें। अब इसी में अगर अपन बात करें कि और थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट अगर मुझे करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपने रिटर्न लिखा है ना यहाँ पर, आप एक काम करो, आप यहाँ पर आकर डायरेक्टली लिख दो रिटर्न, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न लिख दो, और यहाँ पर आकर ये जो आपने ऐसा लिखा है ना आरईएस में रख रहे हो, तो आप एक काम करो इसको यहाँ से कट करो और डायरेक्टली यहाँ पर ही रख दो, इससे क्या होगा यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर जब इसको प्रिंट करवाने आएंगे तो ऐसे फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी, कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, उसने यूजर से वैल्यू गेट करी और वैल्यू गेट करके आपको क्या करके दे दिया, उसने एवरेज रिटर्न कर दे दिया, वो रिटर्न आकर नीचे प्रिंट हो जाएगा। आपने उसको सेव किया, सेव करके आप इसको चला कर देख लो, आप यहाँ पर आए, आपने उसको कंपाइल किया, आपने उसको यहाँ पर रन किया, क्लियर है? ये जो एग्जाम्पल था ये किसका एग्जाम्पल था, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करे है लेकिन ऊपर से वैल्यू रिटर्न होकर आपको मिल रही है, क्लियर है? अब वहीं अगर मैं बात करें इसके अलावा, तो अब इसी के अलावा मैंने इसी को एक और तरीके से फ्रेम कर कर देखते हैं, इसमें मैंने बोला है विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, क्या लिखते हैं यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न टाइप, है ना, यहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। अब विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप में अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो मैंने उसको तो सबसे पहले 6 कर दिया, मैंने यहाँ पर आकर 6 कर दिया, मैंने यहाँ पर भी आगे कितना कर दिया, 6 कर दिया। अब विद आर्ग्यूमेंट मतलब आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करते हैं, जो वैल्यू मैं ऊपर गेट कर रहा हूँ ये सारी वैल्यू सब मैं कहाँ गेट कर लूंगा, नीचे गेट कर लूंगा। अब अगर इन सबको नीचे गेट करूंगा तो मेरे को स्कैनर को भी कहाँ गेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना रहेगा। मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यूजर से 3 वैल्यू गेट कर ली, और वैल्यू गेट करने के बाद में अब आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न कर आपको नहीं देगा, तो फिर आप उस केस में आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपको रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ आप यहाँ पर लिखेंगे ओबीजे डॉट एवरेज, जिसमें आप ए बी और सी को पास कर देंगे, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है? अभी विद आर्ग्यूमेंट मैंने बोला, अब एवरेज एबीसी कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर होगा क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है इंट ए इंट बी और इंट सी, क्लियर है यहाँ तक? और अब उसके बाद आप क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पर एक काम ऐसा कर सकते हो, आपने उसको पेस्ट कर दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, और अब आप यहाँ पे क्या कर दो, डायरेक्टली रिजल्ट को प्रिंट करवा दो, आपने नीचे से वैल्यू गेट कर ली, आपने यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट को पास कर दिया, आप ऊपर गए, अब ऊपर में आप क्या बोलोगे नो रिटर्न टाइप, है ना, ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, तो नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका वॉइड, क्लियर है? वॉइड एवरेज इंट ए इंट बी इंट सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन रिजल्ट प्लस ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 3. ठीक है, चला कर देख लेते हैं अपन इसको, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 6, अपन ने 6 कर लिया था क्या, हाँ, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, मैंने लिखा जावा फन 6, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 6, मैं कितना लिखूंगा यहाँ पर 7, तो कितना मिल गया 6, क्लियर है क्या? यहाँ पर ये हो क्या रहा है, तो ये आपका सिंपली आप ऐसा बोलेंगे, ये है आपका विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, आपने आर्ग्यूमेंट तो पास करे लेकिन ऊपर से कोई वैल्यू रिटर्न होकर आपको नहीं मिली, ये यहाँ पर ये लिखने का तरीका है, मतलब जावा के अंदर आपको अगर स्ट्रिंग के साथ में कुछ लिखना है तो कॉन्केट करना पड़ता है, हाँ यहाँ पे कॉमा नहीं चलता है, यहाँ पे कॉन्केट करना पड़ेगा। अब अगर आपने ये हटा दिया, ये स्ट्रिंग हटा दी,
आप डायरेक्टली लिखोगे, और अगर आपको स्ट्रिंग के साथ में लिखना है तो आपको उसको कॉन्केट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का समझ में आया? वहीं अगर अपन बात करें, अब इसमें अपने को करना क्या है, तो इसमें एक लास्ट और एग्जाम्पल आपका वो है क्या, तो वो है आपका 6, यहाँ पर आया अपन 7। यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो विथ आर्ग्यूमेंट और विथ रिटर्न टाइप, मैंने ऐसा लिखा है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, विथ आर्ग्यूमेंट, मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट से एवरेज नाम के मेथड को कॉल करूंगा और उसमें एबीसी आर्ग्यूमेंट को पास करूंगा। कंट्रोल ऊपर आएगा, ये इसको होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद में अपन आप करेंगे क्या, तो होल्ड करने के बाद में अपने को अब यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करवाना है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी सिंपली नीड टू राइट रिटर्न। यहाँ पर अब क्या जाएगा, तो ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको होल्ड कैसे करना चाहते हो। आप किसी वेरिएबल में होल्ड करना चाहते हो तो आप वेरिएबल में होल्ड करो, और नहीं तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे प्रिंट करवाना। कंट्रोल ऊपर गया, प्रोसेसिंग हुई, वैल्यू नीचे आई, नीचे आके आपने उसको प्रिंट करवा दिया, आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसको चलाकर देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आए और लिखा 7, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन किया, एंटर 3 नंबर्स, क्लियर क्या? यहाँ पर देख लो इसको एक बार, क्लियर है यहाँ तक? देखिए अपन फिर आगे का, अब चलते हैं अपन यहाँ पर फिर इसके आगे का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब ये यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गई चीज़ें, है ना? अब इसके बाद में फिर क्या होता है, तो अब इसके बाद में अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं तो अब इसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि जो उप्स के कंसेप्ट होते हैं, है ना, हमें वो कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करना है। अब लेकिन जो उप्स के भी कंसेप्ट होते हैं उसमें भी अगर अपन बात करें तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट और क्लास, मतलब तो आप लोगों को समझ में आया है ना कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, क्लास मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट मतलब अपन क्लास बनाते हैं, क्लास बनाने के बाद में अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? तो अभी इनिशियली लेवल पर अपन एक काम करते हैं कि अभी तो मैं एग्जांपल ही आपको बता रहा हूँ, है ना, उसके बाद में फिर क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा, राइट? और अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप अभी भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? तो अपन क्या करें, नोट डाउन पहले करवाऊं या फिर अपन एग्जांपल देखें? पहले एग्जांपल बता देता हूं, है ना, फिर वो थ्योरी तो मैं लिखवा दूंगा, है ना? तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना है इधर, तो अपन आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने लिखा 7, मैं अब यहाँ पे करता हूँ क्या अपना 8। या अपन एक काम करते, एक नया फोल्डर बनाते, मैं यहाँ पर आया ओपन फोल्डर, मैंने यहाँ पर आते न्यू फोल्डर, मैंने लिखा 10। वैसे देखा जाए तो अभी ये जो आपने एग्जांपल बनाया ये भी क्लास और ऑब्जेक्ट के ही जा रहे थे, है ना, इसमें भी अंतर कुछ नहीं था, बस वो मैं फंक्शन का नाम बोलकर आपको वो प्रोग्राम बता रहा था, और अगर मैं चाहूँ तो उसी को मैं क्लास और ऑब्जेक्ट बोलकर भी वो प्रोग्राम को यूज़ कर सकता हूँ, है ना, तो वो सेम ही था, है ना। अब बस एग्जाम्पल थोड़े अपन बदल रहे, वो देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा है example1.java, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा क्लास, क्लास में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है example1, अपन यहाँ पर आ गए, अपन यहाँ पर लिखेंगे public static void main, यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे string args,
जहाँ तक अपन आ गए, इसमें से कोई दिक्कत। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में सही है, मैंने यहाँ तक तो आ गए। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन बनाया void addition, यहाँ पर मैंने लिखा है void add, मैंने लिखा है यहाँ पर int a कॉमा int b, और मैंने यहाँ पर अब क्या कर दिया system dot out dot प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है एडिशन, और एडिशन में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, मैंने लिख दिया ए प्लस बी, कोई दिक्कत। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर void add int a int b addition a plus b, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया है, वैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीपल फंक्शन बना लिए इसे। इसमें मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो एड की जगह पर आप क्या लिख लेंगे, मैंने लिख दिया है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन की जगह मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की जगह मैं लिख लूंगा डिविजन, और इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा मॉड्यूलस। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ का मैंने क्या करा है एडिशन, मैंने लिखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे मॉड्यूलस। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, अपन लगा देंगे परसेंट, यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे डिवाइड, यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे सब्सट्रैक्शन, और ऊपर क्या लिखा हुआ है वहाँ पर एडिशन। क्लियर है, अभी तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे इन सबको एक्सेस करना है, मुझे क्या करना है यहाँ पर, इन सबको एक्सेस करना है। अब इन सबको अगर मुझे एक्सेस करना है, तो अब एक्सेस कैसे करेंगे अपन यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ का मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या लिखना रहेगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट एग्जाम्पल वन ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एग्जाम्पल वन। आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब इस ऑब्जेक्ट से आप क्या करेंगे, ओबीजे डॉट एड, ओबीजे डॉट सब्सट्रैक्ट, ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई, ओबीजे डॉट डिविजन, ओबीजे डॉट मॉड्यूलस। आपने ऐसा लिख दिया, आपने उसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन क्या करेंगे, अब इसको रन करेंगे, बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, सी डी डॉट डॉट, पीछे वाले फोल्डर पर आए, मैंने यहाँ पर 10 एस्ट्रिक लिखा। अरे यार, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा है जावा सी एग्जाम्पल वन डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल नहीं हुआ। अब उसने क्या बोल दिया यहाँ पर, मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या, एड मेथड इन क्लास एग्जाम्पल वन कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइम, या हाँ हमने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, अपने वैल्यू ही यूजर से गेट नहीं करी। यूजर से वैल्यू अगर आपको गेट करना है, तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो यू सिंपली नीड टू राइट एक्सपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो वी सिंपली नीड टू राइट स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पर आकर अपन क्या लिख देंगे सिस्टम डॉट इन, कर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यूजर से दो वैल्यू गेट करना रहेगी, तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू टेक टू वैल्यूज फ्रॉम यूजर, तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन में अपन क्या करेंगे एंटर टू नंबर्स, यहाँ आकर मैं क्या लिखूंगा इंट ए इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, फाइनली यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे int b equals to also sc dot next int। क्लियर है क्या, समझ में आया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर ये जो a और b आ रहा है, इसको अपन क्या कर देते हैं पास, तो a कॉमा b, a कॉमा b, a कॉमा b, a कॉमा बी और ए कॉमा, हाँ नहीं यहाँ नहीं लिखना रहेगी, क्योंकि यहाँ तो आप पास कर रहे हो, यहाँ पास करते हैं वहां जरूरत नहीं है, जो हैंडल करता है वहां जरूरत है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो, क्रिकेट अपन सब देखते हैं राइट, तो बॉलर जब बॉलिंग डालता है तो ग्लोव्स पहन के बॉल नहीं डालता है, लेकिन विकेट कीपर जब उसको हैंडल करता है तो ग्लोव्स पहन के उसको हैंडल करता है ना। सिमिलरली यहाँ पर आप जब पास कर रहे हो, तो यहाँ तो आप ए और बी को पास करोगे, लेकिन हैंडल करने वाला कौन है यहाँ पर, ये आपका जो फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है वो हैंडल कर रहा है, तो
तो आपको उस वेरिएबल के साथ में यहाँ पर डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ता है। अब एक चीज़ और ये भी याद रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको ए और बी ही लिखना पड़े, यहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया? तो अब अगर अपन बात करिए, तो मैंने ऐसा लिख दिया, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैंने इसको क्लियर किया, क्लियर करके मैंने इसको चलाया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। कंपाइल होने के बाद में अपन इसको आप रन करते हैं यहाँ पर। जब मैं इसको रन करने गया तो इसने मुझसे दो वैल्यूज मांगी, मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 6, मैंने करा एंटर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और मॉड्यूलस मुझे यहाँ पर मिल गया। क्लियर है, समझ में आया? लेकिन इसमें आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर ये काम करने में आपकी मेमोरी कितनी वेस्ट हुई। आप देखो, आपने यूजर से दो वैल्यू गेट करी, वैल्यू गेट करने के बाद में आपने ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सब में पास कर दिया। आप देखो सब फंक्शन में ए बी चले गया, मतलब यहाँ पर अगर इंटीजर 4 बाइट का है तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 4 और 4 8, अब फंक्शन कितने 1 2 3 4 और 5 5 8 से कितना हो गया 40 बाइट। अननेसेसरीली 40 बाइट्स आप वेस्ट कर रहे हैं। इसको आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे, आप होटल जाते, अपने अपने इंडिविजुअल टेबल पर बैठते, खाना खाते, उसके बाद में आपके पास में पेमेंट के लिए बिल आता है, बिल के साथ में सोफ सुपारी आते हैं, अब आखिरी में ही क्यों आते हैं? सिंपल सी बात है, अगर वो पहले से तुम्हारी टेबल पे रखे हुए रहे और जब तुम आए बैठे, तुमने ऑर्डर दिया, जब तक ऑर्डर आएगा तब तक तुम उसी को साफ कर जाओगे। और अब अगर ऐसे 10 टेबल है और 10 टेबल पे 10 बाउल में अगर सोफ सुपारी रखे हुए रहेंगे तो डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा ना, तो फिर उसके इसमें क्या होता है, एट दी एंड आपको जब उस डेटा की रिक्वायरमेंट लगती है तब वो डेटा आपको मिल जाएगा और वापस से वहां से चला जाता है। आप भी यहाँ पर क्या करोगे, आप भी यहाँ पर हर एक फंक्शन के अंदर डेटा को पास नहीं करोगे, करोगे तो मेमोरी वेस्ट होगी, कर तो सकते हो लेकिन मेमोरी वेस्ट होगी। बट मेमोरी इफिशियंट अगर आपको बनाना है तो आप वन टाइम वहां पर क्या कर दोगे, मेमोरी में आपकी वैल्यूज को रख दोगे, फिर उसके बाद में जिस भी फंक्शन को उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां से वो उसको एक्सेस कर लेगा और अपना काम कर लेगा। ले रहे यहाँ तक? तो फिर अब उस केस में अगर अपन बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूँ, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या एग्जाम्पल टू। अब एग्जाम्पल टू लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में ध्यान से देखना आप, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे यूजर से वैल्यू तो गेट कर ली है, और वैल्यू गेट करने के बाद में मैंने लिखा है ओबीजे डॉट सेट डेटा, और सेट डेटा में मैंने क्या पास कर दिया ए कॉमा बी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, अब फंक्शन बनाऊंगा तो फंक्शन क्या रहेगा, void, मैंने लिखा सेट डेटा, सेट डेटा में मैंने क्या लिखा है int a1, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैं वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया int a1 int b1, अपन यहाँ पर आ गए। अब आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे फंक्शन में डेटा लेकर आए हो, तो बात तो वही हुई ना, नीचे भी तो आप फंक्शन में ही डेटा लेकर आ रहे थे, इससे अलग क्या हुआ? तो अलग ये हुआ कि अब आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पर int a, b को ऐसे डिफाइन कर दिया, int a comma b को ऐसे डिफाइन कर दिया। अब ये जो int a comma b है ये क्या है, आपके डेटा मेंबर्स, और इन डेटा मेंबर्स को अपन यहां पर क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। याद हो तो मैंने जब आपको वेरिएबल पढ़ाया था, जब स्टार्टिंग में जावा पढ़ा था, तो हमने बोला था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल में मैंने आपको ये भी बोला था कि ये होता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इसकी मल्टीपल कॉपीज एलोकेट होती है। कहने का मतलब यह है कि जब नीचे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ये ओबीजे नाम से, तो उसके रिस्पेक्ट में ये ए और बी की एक एक कॉपी उसको अलोकेट हो गई, लेकिन जब ओबीजे वन आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में फिर से ये ए बी की उसको एक कॉपी अलोकेट होगी, ओबीजे थ्री आएगा तो फिर से ए और बी की एक कॉपी उसको अलोकेट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उतनी बार ये इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी अलोकेट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और ये मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे क्रिएट करता। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया ए और बी, अब मैं नीचे से क्या करूंगा, यूजर से वैल्यू लेकर आऊंगा जो ए वन और बी वन में जाएगी। अब मैंने क्या कर दिया, उस ए वन की वैल्यू को क्या सेट कर दिया, ए में सेट कर दिया। मैंने बी वन की वैल्यू को कहाँ सेट कर दिया, बी में सेट कर दिया। ए वन की वैल्यू को ए में सेट कर दिया, बी वन की वैल्यू को मैंने बी में सेट कर दिया। और अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अब मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन को अगर मुझे कॉल करना है, तो अपन यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से मैंने ये ए और बी को हटा दिया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में भी मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इस ए और बी को मैंने यहाँ से हटा दिया।
ठीक है, एवर बी को मैंने यहाँ से हटा दिया, तो एड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन और मॉड्यूलस, क्लियर है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वन टाइम डेटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट डेटा के थ्रू सेट हो जाएगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, A1 की वैल्यू A में, B1 की वैल्यू B में, मतलब यहाँ पर A और B में डेटा सेट हो जाएगा। और उसके बाद में अब ये क्या देकर रखे हुए आपको, ये है आपके मेंबर फंक्शंस, है ना, मेंबर फंक्शंस है। अब इससे क्या होगा, अब जब आप ऐड को कॉल करोगे नीचे से, तो उसको ए और बी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये ए और बी उसको कहाँ से मिल जाएंगे, ए और बी उसको यहाँ से मिल जाएंगे, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। अब मैंने ये ऐसा लिखा, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्ट्रिंग को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा एग्जाम्पल टू, अपने यहाँ पर आते हैं, इसको रन करते हैं, आप देखेंगे एंटर टू नंबर्स, आपने लिखा 78 98, आपको मिल जाएगा ऐसा। डिवीजन के केस में आपको मैनेज करना पड़ेगी चीज़ें, लाइक आपने लिखा 45 और आपने लिखा यहाँ पर 2, तो उस केस में वो 22 दे रहा है, आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आकर इसके आगे ऐसा लिखना पड़ेगा। अब वापस से यहाँ पर आए, जैसे कंपाइल किया, अब इसको रन किया, देखो आगे ना 22.5, ये आपने वहाँ पे क्या कर दिया, टाइप कास्ट किया, बताया था ना मैंने वेरिएबल के अगर आगे आपको लिखना है तो आप ब्रैकेट करके ऐसा लिखेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइप कास्ट, मतलब क्लियर है क्या, समझ में आया सभी को। वही अगर अपन बात करें, इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करते हैं अपन, ठीक है, ये तो मैंने ऐसा कुछ कर लिया, अब इसको अगर थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करें अपन, तो कैसे क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा इसको 3 और मैंने इसको भी कितना कर दिया यहाँ पर 3, कोई दिक्कत, ठीक है। अब 3 लिखने के बाद में अब क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे यूजर से वैल्यू तो गेट करी, मैंने ए और बी को भी पास करा, अब ए और बी को पास करने के बाद में हुआ क्या, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया और मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, और मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, मैंने ही तो आपको बोला था वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं ना, सेम नाम से भी हो सकते हैं, डिफरेंट नाम से भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट से मैंने करके दिखा दिया, अब सेम से करके दिखा देता हूँ, तो मैंने सेम नेम के वेरिएबल यहाँ पर मेंशन कर दिए, तो ए नीचे से वैल्यू आई ए में, उसने ए में सेट कर दी, नीचे से वैल्यू आई बी में, उसने बी में सेट कर दी वैल्यू, और उसके बाद में आपका पूरा प्रोग्राम वैसा का वैसा ही है, कोई दिक्कत। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने इसको चलाने की कोशिश करी, आप देखेंगे ऐसा हुआ, अगर फिर से इसको चलाते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा पूछेगा आपसे, और मैंने अब लिख दिया 21, मैंने लिख दिया यहाँ पर 4, अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर डिवीजन में क्या आ गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, अब ये कैसे आया, अब ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने, मैंने ही बोला था कि आप ऊपर वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकते हो, सेम नेम के भी लिख सकते हो, डिफरेंट नेम के भी लिख सकते हो, तो जब डिफरेंट नेम के लिखे तो चल गया, लेकिन सेम नेम के चलने में गड़बड़ क्यों, तो अब उस केस में अब आप ऐसा समझे कि जब आप कंट्रोल यहाँ आया, ए के अंदर वैल्यू आई, बी के अंदर वैल्यू आई, और अब जब आप यहाँ पर ए की वैल्यू को ए में और बी की वैल्यू को बी में रखेंगे, तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, और कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, तो उसने खुद की वैल्यू को खुद में ही असाइन कर दिया, मतलब कंपाइलर ने ये जो ए दे के रखा हुआ है, तो कंपाइलर ने इस ए को तो ये वाला ए कंसिडर किया ही है, साइड बाय साइड उसने ये वाले ए को भी वही वाला ए कंसिडर कर लिया, और उसने खुद की वैल्यू को खुद में ही असाइन कर दिया, खुद की वैल्यू को खुद में असाइन करने से ये हुआ कि यहाँ पर वैल्यू सेट ही नहीं हुई, और यहाँ वैल्यू अगर सेट नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट ये होगी 0, तभी तो वहां पर आपको 0 से डिवाइड करने पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन मिल गया ना, और ये तो गड़बड़ है, नाम तो मैं सेम और डिफरेंट लिख सकता हूँ, नहीं गार्बेज वैल्यू इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जावा में तो गार्बेज वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं होता है ना, सी सी में गार्बेज वैल्यू होती है, सी प्लस प्लस में होती है, जावा में गार्बेज वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी इंटीजर की 0 रहेगी, अगर मैं फ्लोट लिखता तो 0.0 होता, स्ट्रिंग लिखता तो नल होता है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। अपन अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ तक तो सभी को समझ में आया, अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अब मुझे तो रिप्रेजेंट करना है ना, अब मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो फिर रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, अब ये वाला ए तो ये वाला ए है, लेकिन अब मेरे को ये बताना है कि ये वाला जो ए है वो ये वाला ए है,
तो फिर उस केस में आप इसके आगे क्या लगा देंगे, तो आप इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे दिस, दिस कीवर्ड इज सिंपली यूज्ड टू रिप्रेजेंट करंट क्लास डेटा मेंबर्स। दिस कीवर्ड को आप यूज करते हो रिप्रेजेंट करने के लिए करंट क्लास के डेटा मेंबर्स को। तब उस केस में यहाँ पर अब अगर आपने ये ऐसा लिखा है तब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके उस डेटा मेंबर को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब आप इसको सेव करें, यहाँ पर सेव करने के बाद में अब आप यहाँ पर आए, स्क्रीन को आपने क्लियर किया, क्लियर करके आपने यहाँ पर इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर आपने लिखा 567, आपने लिखा 7, ठीक है, या देखो आपको क्या मिल गया। क्लियर गया यहाँ तक? क्लियर यहाँ पर सभी को? ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन करके रखा हुआ। देखिए दूसरा एग्जांपल, आप अगर अपन बात करें अपने को और क्या करना है इसमें, तो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर आकर इसको सेव एज किया, मैंने लिखा यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4। हम यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एग्जाम्पल 3 को किससे, एग्जाम्पल 4 से। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 4 पर तो अपन आ गए। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इसके अंदर से मैंने कॉल कर दिया दिस डॉट एड, मैंने लिख दिया यहाँ पर सब्सट्रैक्ट, मैंने दिया दिस डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन दिस डॉट मॉड्यूलस, मैंने ये ऐसा कुछ लिख दिया। सिंपल सी बात है, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो मेरे को यहाँ से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे सिर्फ डेटा को सेट कर पाऊँगा और वो कॉल हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको कॉल कर दे तो बताओ आउटपुट क्या मिलेगा। अब अगर अपन बात करें इसको कॉल करने पे क्या मिलेगा, तो जब आप इसको कॉल करेंगे तो ये सारे ही फंक्शन कॉल हो जाएंगे, मतलब दिस डॉट एड, सब्सट्रैक्शन, दिस डॉट मल्टीप्लाई, डिवीजन और दिस डॉट मॉड्यूलस, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपने अगर किसी फंक्शन को दिस से कॉल किया है और अगर आपने यहाँ पे दिस नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उसके पीछे इंटरनली दिस इम्प्लिसिटली लग ही जाएगा, बोले तो अंदर ही अंदर ये जो सब्सट्रैक्ट है वो दिस डॉट सब्सट्रैक्ट ही कंसिडर हो रहा है, यहाँ पे जो डिव है वो अंदर ही अंदर दिस डॉट डिव ही कंसिडर हो रहा है। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है, तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। समझ में आया? ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा है। अब ये धिस करता क्या है, तो धिस के हिसाब क्या बोलोगे, धिस कैन ऑल्सो बी, है ना, धिस कीवर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट करंट क्लास डेटा मेंबर, this can also be used to represent current class member function, है ना, current class का member function consider हो रहा है ना। मतलब दूसरी वैल्यू कैसी, दूसरी वैल्यू कैसी, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 4 और 5 डालते हैं, हां अगर आपको सब्सट्रैक्शन में 7 एंड 8 डालना है, हां तो कुछ नहीं, आप या तो एक काम ऐसा कर सकते हो
कि आप यहाँ से नीचे से वैल्यू गेट करो और वैल्यू गेट करके आप उसको ऊपर पास कर दो। अब जैसे अब ये सेट डेटा में आपने ए और बी लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ पर ए और बी में तो वैल्यू सेट हो रही है। अब रही बात कि आपको इंस्टांस वेरिएबल में सेट नहीं करवाना है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, सेट डेटा के अंदर ही स्कैनर लिख के यूजर से दो वैल्यू गेट कर लो, और जो दो वैल्यू गेट करोगे उसको आप यहाँ पे रख के चला दो, भले आप उसको धिस से चलाओ या सब्सट्रैक्शन से चलाओ वो चल जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ वो फंक्शन की कॉलिंग की बात हो रही है, अंदर वैल्यूज की तो कोई बात ही नहीं हो रही, वो कुछ भी आप समझ में आया था। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा तो अब अपन और क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे धिस को एज अ कंस्ट्रक्टर के साथ में भी आप यूज कर सकते हो, है ना, धिस को आप एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। क्लियर है, तब वो अपन कैसे क्या पास करेंगे तो वो फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको क्या बताऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में एक तो मैं आपको धिस कीवर्ड वाला कंसेप्ट बता दूंगा, धिस कीवर्ड के कंसेप्ट के साथ में मैं आपको कंस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन मिस मत करना, क्योंकि अब धीरे 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 छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें है ना, कि एक एक क्लास में एक एक सेशन में बहुत सारी चीज़ें कवरअप होते हुए आपकी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। राइट, तो अपन आज का सेशन यहीं पर स्टॉप करते, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।